शोहरत पाना आसान नहीं होता, ना ये दुआओं से हासिल होती है और ना ही किसी की रुकावट डालने से रुकती है। जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी ऐसा ही कहते थे, लेकिन तब मैं ये बात समझ नहीं पाई और जब मैंने समझा तब तक वो जा चुके थे। अगर आपको इस बात को गहराई से समझना है तो आपको मेरी जिंदगी के हर पन्ने को पढ़ना होगा। मेरा नाम है मानसा संयुक्ता। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव लांबा सिंह की रहने वाली हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हाल बना लिया है अपना। पापा के कैंप पे जाते ही तुम लोगों की मनमानी शुरू, सीधा घर नहीं आ सकते। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माँ, वो गलती से मिट्टी में गिर गई थी इसीलिए। ए बेवकूफ मत समझना, मैं तुम्हारी टीचर हूँ क्या जो तुम्हारी बात का यकीन कर लूँ? माँ हूँ तुम्हारी। चलो मुझे सच सच बताओ, रास्ते में कुछ कचर पट्टी नहीं खाई ना? नहीं माँ, हमने कुछ नहीं खाया। तुमने पानी पूरी खाई ना? नहीं माँ। तुम जब भी झूठ बोलती हो मुझसे नजर चुराती हो ये मैं जानती हूँ। नीचे देखकर नहीं, मेरी तरफ देखकर बोलो, पानी पूरी खाई ना? ठीक है, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, 10 मिनट में नहाकर जल्दी नाइट ड्रेस पहन लो, फटाफट तैयार हो जाओ। कमला। हाँ पापा। पापा आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो, कैंप में बहुत काम था क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, जब पगार बढ़ती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। पापा मैंने आपसे घड़ी के लिए कहा था। भूल गया बेटा। आप और आपका भुलक्कड़पन, पिछली बार आप अपनी घड़ी भूल गए थे और इस बार इसने कहा तो इसकी घड़ी भूल गए, हो क्या गया है आपको? अगली बार पक्का लाऊंगा, अब जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। चलिए। अर्जुन, सहना, संयुक्ता, व्हाट्स हैपनिंग? तुम लोग संभल कर तो स्कूल जाते हो ना? पापा अभी तक घर नहीं आए? वो आजकल क्लिनिक में किसी नई दवाई पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो काम पूरा होने के बाद ही वो लौटेंगे। बच्चों को स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है आज। तो अर्जुन कुछ प्रोग्रेस किया? हमेशा की तरह ही मार्क्स लेकर आए। बी ग्रेड 11th रैंक पापा। क्या? सहाना? ए ग्रेड 5th रैंक पापा। मैं तो क्लास में फर्स्ट आई पापा। बेटा जिंदगी में मकसद ना हो तो फर्स्ट रैंक का कोई फायदा नहीं। 6 महीने पहले तुमसे पूछा था ना जिंदगी में क्या बनना चाहती हो, चलो अगली बार बताना क्या बनना चाहती हो, क्योंकि अगर तुमने तय नहीं किया सिर्फ हमेशा की तरह फर्स्ट आई तो कोई फायदा नहीं है बेटा। संयुक्ता क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है? नहीं पापा, मेरे पेट में दर्द है। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे दादाजी के पास जाना है। अब इस वक्त मैं तुम्हें दवा देता हूँ, तुम वो खाकर सो जाओ, हम कल चलेंगे। मुझे उनसे अभी मिलना है। जिद मत करो बेटा, अब सो जाओ चलो। मैं अभी उनके पास जाऊंगी। माँ जाग गई तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ चलो धीरे से। अब तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है बेटा? देखा पेट का दर्द कैसे गायब हो गया, अब बदले में क्या दोगे तुम? प्यारी सी किस। मुझे वो नहीं चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ संयुक्ता, हमारी रानी संयुक्ता दुनिया में नाम कमाए, देश में तुम्हारी चर्चा हो, सब लोग तुम पर गर्व करें, तुम्हारे काम की सराहना हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। वादा करो बेटा कि तुम ऐसा ही करोगी? जान गई मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आप कितने महान हो। मैं इतना महान नहीं हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है, इसलिए मैंने कुछ सालों तक फौज में काम किया, उसके बाद मैंने वहाँ जो कुछ भी सीखा उसे मैंने अपने गांव की सेवा में लगा दिया बेटा। आपकी चाय ये बताती है कि आप कितने महान हो, तो इस चाय के बारे में सबको जानना चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? 500। बेटा संयुक्ता, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? पहले MBA करूंगी, फिर अपना बिजनेस करूंगी। ओहो, बिजनेस करने वाली है। बेटा, बिजनेस आदमियों के करने की चीज है, लड़कियों के नहीं। लड़कियों को तो बस पढ़ाई लिखाई करके जहाँ उनके माता पिता चाहें सेटल हो जाएं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं आगे जाकर वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। भैया। हाँ संयुक्ता। मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मैं घर आ रही हूँ। ओके ठीक है, आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कोई डराए तो डरना चाहिए ना मिस्टर शिवरामा कृष्णा। तुम कौन हो बेटी? हाँ, मैं ब्लू डार्ट से आई हूँ सर, आपकी बेटी का पैकेज डिलीवर करना है। कमला। हाँ। कोई सुबह सुबह हमें छेड़ने के लिए आ गया है। एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं। संयुक्ता आओ बेटा आओ। हाय माँ। संयुक्ता नहीं, मानसा संयुक्ता। हाँ ठीक है बाबा। हेलो लॉय मैडम। हेलो। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। मेरी बच्ची। सब ठीक तो है ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी। अरे डैडी। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है डैडी? क्या हुआ? संयुक्ता 2 महीने बाद घर आई तो पापा ने इसे पहचाना नहीं डॉक्टर। अर्जुन, मैं जो तुमसे बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तुम्हारे पापा को अल्जाइमर्स है, स्टेज 5। हालत बहुत ही गंभीर है, मतलब दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कम हो रही है, लोगों को पहचानने में तकलीफ हो रही है। तो ध्यान रखिए कि उनके दिमाग पर ज्यादा दबाव ना पड़े। उनके अपनों को उनके पास रहने के लिए कहिए, उनका ध्यान रखने के लिए कहिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। इस सिचुएशन में वो जॉब ना ही करे तो बेटर है। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील। आप जॉब छुड़वाने को कह रहे हैं लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है सर। आमतौर पर यह बीमारी इस उम्र में नहीं होती है। इतनी कम उम्र में इन्हें यह तकलीफ इस जॉब की वजह से ही हुई है। इस काम की वजह से बहुत स्ट्रेस है उन्हें। बड़ा बेटा होने के नाते अब तुम परिवार की जिम्मेदारी संभालो। तुम दोनों मेंटली स्ट्रांग हो इसलिए ये बात मैंने तुमसे कही। अब परिवार को कैसे बताना है ये तुम दोनों के ऊपर है। दादाजी, आपने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। इस उम्र में इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है, खा लीजिए ना। ठीक है, लादे बाद में खा लूंगा। आ बेटा मेरे पास बैठ। जब वो 2 साल का था तब उसकी माँ चल बसी। तब से मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी जिम्मेदारी को समझा। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर जाया करता था। घर का सारा काम करने के बाद खुद से तैयार होकर स्कूल चला जाता था। शाम को जब मैं हॉस्पिटल से घर लौटता वो मुझे खाना परोसता था। बेटा, मैंने कभी उसके पढ़ाई के लिए जोर नहीं दिया। उसने खुद अपनी मेहनत से पढ़ाई की। बड़ी मेहनत से आज वो उस मकाम पर पहुंचा है। और सबसे दुख की बात है कि जिन अपनों के लिए उसने रात दिन एक करके कड़ी मेहनत की, आज वो उन्हीं अपने लोगों को याददाश्त खो जाने की वजह से बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा है। संयुक्ता, मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख परिवार के सुख में है। ध्यान रहेगा ना? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? 1 महीने से ज्यादा हो चुका है वो अब तक काम पर नहीं गए हैं। घर के खर्चे, राशन वाला, दूध वाला, बिजली का बिल, तुम लोगों की फीस, दवाइयों का खर्च, दिन बर दिन सारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कमला देखो, अभी मैं जिंदा हूँ,
तुम्हें इन बच्चों की पढ़ाई और अपने पति के इलाज के पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो सहाना भी अपनी प्रैक्टिस करने लगी है, उससे भी हमें अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी। अर्जुन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। हाँ? वही रुको। सहाना, ये सब क्या है? तुमने हमें इस बारे में बताना भी ठीक नहीं समझा? हमसे बिना पूछे शादी कर ली, अब मुंह उठाकर आशीर्वाद लेने आई हो? हाँ, देखिए एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। तुम चुप रहना, तुम हमारे कोई नहीं लगते, बात मत करो। माँ, ये मेरे पति हैं, हम लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, आप राजी नहीं होंगे इसलिए हमें ऐसे शादी करनी पड़ी। घर के हालात को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने ये कदम कैसे उठा लिया? क्या तुम्हें पता नहीं घर के हालात क्या है? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे निकली? तुम जैसी बेटी होने से तो अच्छा है बेटी ही ना हो। माँ, शायद भगवान भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर उन्हें सदमा हो, इसलिए उनकी याददाश्त छीन ली, वरना शर्म से मर जाते। इससे पहले कि उन्हें ये बात पता चले, यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ। सहाना, कमला। पापा, क्या हुआ? आप अभी तक क्लिनिक नहीं गए? मेरे साथ चलिए, मैं बैंक ही तो जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ दूँ। नहीं बेटा, अभी निकलने में देर है, तब तक तुम आराम करो। कितना आराम करो? मैंने कहा ना, अर्जुन इसको अंदर लेकर जाओ। पापा, पहले आप सेमेस्टर के बारे में कह चुका हूँ। कमला, क्या बात है, घर में इतनी रोशनी क्यों है? इसलिए क्योंकि आज दीपावली है पापा। दीपावली? इतने सारे दुखों के बीच में दीपावली मनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं। जब सच्चाई की जीत होती है ना, तभी दीपावली मनाते। मैं ठीक कह रही हूँ ना पापा? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखिए, भैया का एमटेक हो गया है, उन्हें जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। मेरा एमबीए भी 6 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी और फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म। हम उन लोगों में से नहीं जो बिजनेस कर सके। इस तरह की बातें करने का ये समय नहीं है संयुक्ता। समझदारी से काम लो और एमबीए खत्म करो, अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो संयुक्ता। बिजनेस अपने दिमाग से निकाल दो, आज के बाद ये शब्द तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। सुबह जब उठा तो पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ हो रही थी, बहुत प्यास लग रही थी मुझे। जब भी ये सोकर उठते हैं ना तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जरा देखिए ना क्या हुआ है। आपके पति का चिड़चिड़ापन इसलिए नहीं है कि इन्हें किसी से जलन है, दरअसल शाम को दारू में सोडा मिलाकर जो ये गटागट पीते हैं उसकी वजह से इनके पेट में गैस जमा हो जाती है और ये बेचैन हो जाते हैं। ये बीमारी इनकी अपनी वजह से है, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको दवा देता हूँ। हेलो डॉक्टर विश्वनाथ रंगारू। आइए आइए मिस मानसा संयुक्ता, बिल्कुल सही समय पर आई हो बेटी। इन सारी दवाइयों को चाय में मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर इन्हें पिला दो। जैसी आपकी आज्ञा। थैंक यू। मेरी पोती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे सारे गुण इसके अंदर हैं। वाह, ये चाय तो अमृत तुल्य है। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी चाय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पी। डॉक्टर साहब, अगर चाय बनाने की स्पर्धा हुई तो आपकी पोती दावे से नंबर बनाएगी। अगर मेरी बेटी कामयाबी हासिल करेगी तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी नहीं होगी क्या? और मुझे सिखाया किसने? आपने ही तो सिखाया ना दादाजी। आप मुझे नहीं, इन्हें शुक्रिया कहिए, ये इन्हीं की सीख है। मेरी प्यारी बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम रोज आकर मेरे लिए ऐसी ही चाय बना देना। मुझे तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी जिंदगी में नहीं चाहिए बेटा। दादाजी, चाय तो पिलाऊंगी, लेकिन आप जहाँ जाएंगे ना मैं भी वहीं आऊंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतनी आसानी से आपका पीछा थोड़ी छोड़ूंगी।
एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2020 बैच थर्ड रैंक गोज टू मिस्टर अर्जुन चैतनिया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेज दूं और मैंने भेज भी दिया, उन्हें वो बहुत पसंद आया। पता है उन्होंने तुम्हें अमेरिका में जॉब ऑफर किया है, तुम इंटरेस्टेड हो तो अगले महीने ही ज्वाइन कर सकते हो। रियली सर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यस, यू मेड इट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प सर। इस वक्त मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत थी। जानता हूँ। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ये बात मैं पापा और दादाजी को बताना चाहता हूँ। इस विषय में दादाजी से कैसे बात करेंगे? हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के खातिर उन्हें इस गांव से शहर भेज दिया ताकि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन सके, और हम लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते रहे कि हमारे बच्चों को इस मिट्टी से प्यार है। लेकिन आज वो सिर्फ एक नौकरी के लिए हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। वैसे हम सब की यही राय थी कि अगर अर्जुन के साथ हम सब चले जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, इनका भी बेहतर इलाज होगा, संयुक्ता की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसे वहां अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। आपने हम सबके लिए बहुत कुर्बानी दी है, इस उम्र में आपको भी आराम की जरूरत है, इसलिए अगर आप भी हमारे साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। क्या हो गया है मुझे? आज भी तो अच्छा भला रह रहा हूं और आगे भी मुझे कुछ नहीं होगा। बाकी तुम लोग खुशी खुशी जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करो। अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे सपनों का कभी भी गला नहीं घोट सकता बेटा। तुम जाओ, सब ठीक होगा। दादाजी। दादाजी, आज आपके लिए ऐसी चाय लाई हूँ जो कॉफी से भी बेहतर है। एक बार दादा। दादाजी। दादाजी। सिर्फ वही लोग हमारी यादें बनकर रह जाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, और वो इंसान जब हमें छोड़कर चला जाता है तब वही यादें हमें दुखी करती हैं। यही जिंदगी है, हमेशा दुखी तो नहीं रह सकते। ये जो मौका है हमें इसे खोना नहीं चाहिए। 2 दिन में हमें निकलना है, तैयारी शुरू करो। आप ही कहते थे दादाजी कि शोहरत पाना आसान नहीं, ये दुआओं से हासिल नहीं होती और किसी की बददुआओं से मिटती नहीं है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है।
कोई सामान रह तो नहीं गया? लाओ मैं पकड़ती हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं। हर कोई मुझसे कहता था कि एक बैंक की नौकरी के अलावा तुमने क्या हासिल किया है। लो देखो, उसी बैंक की नौकरी ने आज हम सबको यहां अमेरिका पहुंचा दिया है। सच कह रहे हैं, आपकी वजह से हम यहां है। देख के तो ऐसा लग रहा है ये पक्की इंडियन है। चल बात करते हैं उससे। Hey. Hi. Hi. You're from India? I'm Padmanaina from India. Preeti from India. Hi. I'm Mansa Samyukta from Lambasinghe. Oh, MBA nice. कर रही हूँ मार्केटिंग में। मैं भी MBA कर रही हूँ HR में। I'm in finance. Nice. Your first day? चेहरे पर दिख रहा है ना? कॉलेज की फर्स्ट डे में सब ऐसे ही दिखते हैं। Let's go and have coffee. Yeah. Actually, I'm a tea addict. कब से ढूंढ रही हूँ कि एक अच्छी चाय मिल जाए, लेकिन कहीं मिलती नहीं है। यहाँ तो वैसी चाय मिलना मुश्किल है। चाय छोड़ो, चलकर कॉफी पीते हैं। केस की कॉफी इज द बेस्ट। चलकर ट्राई करो। Let's go. So, MBA के बाद क्या सोचा है? बिजनेस करना। It's my dream. लेकिन मॉम और भाई ऐसा नहीं चाहते, तो देखते हैं आगे क्या होता है। Hi girls, what's up? What's up, Alex? तुम्हें याद है ना? शाम 7 बजे, भूलना मत। अगर हम भूलना भी चाहें तब भी तुम भूलने नहीं दोगे। Oh, you silly girl. खूबसूरत लड़कियां हमेशा हमारी पार्टी से कतराती हैं, इसलिए हमारी पार्टी में रौनक नहीं होती है। See you then. Bye. Bye. कौन है ये और कौन सी पार्टी की बात कर रहा था? ये एलेक्स है, यहीं का रहने वाला है। ये यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम जैसे इंडियंस एक दूसरे से मिल सके। आ जाओगी तो कई लोगों से मुलाकात होगी। मैं पार्टीज में ज्यादा नहीं जाती, तुम दोनों जाओ ना। संयुक्ता, ये अमेरिका है, दुनिया की सबसे हैपनिंग जगह, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए, बहुत मजा आएगा। वैसे भी ये हमारा फाइनल ईयर है। हाँ। और हमें ऐसे मौके जिंदगी में छोड़ने नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसे मौके का भरपूर मजा लो। ठीक है, सोचकर बता। कॉफी। थैंक यू। पापा। संयुक्ता आओ बेटी, यहाँ बैठो। देखो कोहली कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, आओ बैठो ना। 56 नॉट आउट, इंडिया को जीतने के लिए 50 रन चाहिए। देखो तो सही। पापा, ये मैच कल का है, इंडिया ऑलरेडी हार चुकी है। ये क्या बोल रही हो तुम, अपनी टीम अच्छा खेल रही है। कुछ भी देखो। अरे चलना डांस करते हैं। अरे रुको तो। हाय। हे, वो देखो संयुक्ता आ गई। हे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हुआ तुम आ गई। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड गुड। यस, 3 टेकीला शॉट्स प्लीज। ओके। हे, मैं नहीं पीती। पीती नहीं मतलब? तो पब में क्यों आई हो, कीर्तन करने? जिसने वाइन, विस्की, वोडका नहीं पिया उसका जीना बेकार है। इमेजिन, ऐसा मेरी दादी कहती थी। जब मैं खुश होती हूँ, I have a cup of tea. और जब गुस्सा होती हूँ, I have coffee. इसके अलावा और कोई ड्रिंक नहीं पीती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो हमें कुछ तो स्पेशल करना चाहिए। ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। यस। यार कम ऑन। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। अच्छा, तुमने कितनी बार प्यार किया है? और कैसा लगा? ओनली वन क्वेश्चन। ओके, घुमाओ। ट्रूथ और डेयर? डेयर। वो देखो, वो कपल दिखाई दे रहा है ना, उनमें झगड़ा लगा क्या हो? क्या क्या कह रही, पिटवाएगी क्या? रूल्स रूल्स होते हैं।
सच में करना है क्या? करना तो पड़ेगा। कभी इंडिया गई हो? इंडिया? नो, नेवर। हाय, व्हाट्स अप? हे, हू आर यू? मानसा संयुक्ता। संयुक्ता? मानसा संयुक्ता। ओके, डू आई नो यू? He hasn't told you that we're getting married next week. Huh? Sorry, what did you say? I said, we both are getting married next week. Hmm? All right, Vijay. See you, bye. Stella! 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 Actually... ये तुम्हारा फोन है ना? Listen... Stella! 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 Actually, it's not what I really meant. फिर तुमने ऐसा क्यों किया? Actually, the thing is, friends और मैं truth और dare खेल रहे थे. मैंने dare मांगा तो मुझसे कहा आप लोगों का झगड़ा कराऊं. That's all. I'm really sorry. अब मेरा phone दे दीजिए please. Dina. मैं वैसी लड़की नहीं हूँ. अगर ऐसी बात है तो phone भूल जाओ. तुम मौके का फायदा उठा रहे हो ना? कुछ देर पहले तुमने क्या किया था? मिस मानसा संयुक्ता, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें ये फोन चाहिए तो मेरे साथ डिनर करना होगा. एक बार साथ डिनर कर लेने से कौन सा ये मेरा बॉयफ्रेंड या मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, देखते हैं. क्या सोच रही हो? डिनर के लिए कह रहा हूँ, डेट के लिए नहीं. तो चलें। तुम्हारे साथ डिनर करना और साइलेंट फिल्म देखना दोनों बराबर हैं। मैं आज डिनर के लिए आई हूँ, डेट के लिए नहीं। एक बात कहूँ तुमसे, अगर हम यहाँ डेट पर भी आते तब भी तुम मुझसे बात नहीं करती और मुझे खामोश रहना पड़ता। जब मैंने तुम्हें पब में पहली बार देखा था तुम मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। एक पल के लिए सोचा तुमसे बात करूं लेकिन हिचकिचाहट थी कि कहीं तुम मुझे नजरअंदाज न कर दो। पर किस्मत देखो, उस पब में कम से कम 200 लोग थे लेकिन किस्मत तुम्हें मेरे पास खींच लाई। मैं तुम्हारे साथ डिनर करके ये देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। इफ यू डोंट माइंड, मैं बाकी का बचा खाना पैक करवा लूं। बचा हुआ क्यों, फ्रेश ऑर्डर करते हैं। नहीं वो बात नहीं है, फूड वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी होमलेस को दे दिया जाए। ओह, चैरिटी? हाँ नहीं, बस ह्यूमैनिटी। किसी चीज को दान दे देना चैरिटी और किसी चीज को बांट लेना ह्यूमैनिटी। बहुत गहरी बात है। आई नो। सर और कुछ लेंगे आप? समिक्ता, चाय मिलेगी क्या? चाय? ओह नो, सॉरी मैम। उसने सिर्फ इतना कहा कि चाय नहीं है लेकिन तुम्हारी शक्ल तो ऐसी उतर गई जैसे लाखों का नुकसान हो गया हो। मैंने जो खोया है वो लाखों से भी बढ़कर है लेकिन तुम नहीं समझोगे। पानी की गहराई में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है जो शायद मैं नहीं देख पा रहा। ऐसा क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं। तुमने अभी अभी कहा कि तुमने लाखों से बढ़कर कोई चीज खोई है, बताओगी नहीं वो क्या है? मेरे दादाजी, वो इस दुनिया से चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए। बचपन से वही मेरे सबसे ज्यादा करीब थे और मैं अपना घर, गांव, देश सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हूँ, बचपन की यादों से दूर। हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। शायद अमेरिका के लोगों के लिए दूसरों को भूलना बहुत आसान बात है।
इंडिया में तो लोगों के गुजर जाने के बाद भी उनका एहसास साथ रहता है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। एक मिनट, जब मैं 10 साल का था तब मेरी मां मर गई। उनके मरने के बाद महीनों अपने कमरे में रोता रहता, लेकिन मेरी मां कभी वापस नहीं आई, ना ही मेरा दर्द कम हुआ। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, जानता हूं दुख बांटने से कम होता है। मानता हूं इंडिया खूबसूरत देश है, लेकिन अमेरिका भी कुछ कम नहीं है। जो सादगी हमें नेचर में दिखती है, वो अगर इंसान अपने विचारों में ले आए तो यकीनन उसकी जिंदगी भी सुकून से भर जाए। तुम अपने दर्द का बहाना बनाकर इस देश की खूबसूरती और यहां की खुशियों से अपना मुंह मोड़ रही हो। समय को एक बार मौका दो, वो जरूर बदलेगा। विजय नाम से मेरा नंबर सेव कर दिया है मैंने, अगर मेरी बात सही लगी हो तो कॉल करना, इंतजार करूंगा। विजय, जब से तुम्हारी तरह दुनिया को देखना शुरू किया है, दिल में काफी सुकून है। That's great. कल शाम में तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। असल में मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं, मेरे दोस्त को कुछ काम आ गया इसलिए वो नहीं आ सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तो सोच रही थी कि ये मिलने का कोई ना कोई बहाना बनाएगा, ये तो डायरेक्ट निकला। सोच कर बताओ। क्या मतलब? मिस्टर विजय, अगर कोई लड़की मिलने से ना कहे मतलब ना है, लेकिन अगर वो सोचने के लिए वक्त मांगे उसका मतलब है कि वो मिलने जरूर आएगी। ओह। कौन सी फिल्म? आओगी तो पता चल जाएगा। ओके, सी यू देन। इंडिया में तुम कैसी लग रही हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर ये अमेरिका है, यहां तुम चाहो तो अपनी खूबसूरती को निखार सकती हो। हाँ? मतलब तुम कह रहे हो मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो मिस, मैं हेल्प यू? वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल, आई लाइक योर स्टाइल, वेयर यू फ्रॉम? इंडिया। ओह, लेट मी शो यू आवर कलेक्शन। दिस इज न्यू अराइवल। विजय। No. No. नहीं संयुक्ता, तुम पर ब्लैक नहीं खेलता है, ग्रे ट्राई करो। लग रही हूँ? Beautiful. Thank you. मुझे नहीं पता कि ग्रे तुम पर कैसा लगता, लेकिन ब्लैक तुम पर खेल रहा है। मैं खुश हूँ कि दुनिया तुम्हें एक नए अंदाज में देखेगी। Thank you.
मानसा संयुक्त अब चलें। ये देखा तुमने कैसा लगा? दो थे। अच्छा दो थे? नहीं नहीं थैंक यू विजय। जब मैं इंडिया छोड़कर अमेरिका आ रही थी मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज। कैसी लगी? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे मैंने कहा था केएसक्यू कॉफी इज द बेस्ट? मैं गलत थी। तुम्हारी ये चाय उससे 10 गुना बेहतर है। सच में। थैंक यू। I would like to announce the topper of this semester, Miss Manasa Samyukta. कहाँ जा रहे हैं आप? दिख नहीं रहा, जॉगिंग पे जा रहा हूँ। जॉगिंग करना है तो यही कीजिए, कहीं और मत जाइए। रास्ता भूल गए तो? तुमने मुझे भुलक्कड़ समझ के रखा है। अब भी बता सकता हूँ बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, कितने लॉकर है, कौन से लॉकर में क्या है, किसके अकाउंट में कितने पैसे जमा है, ये मैं यूँ बता दूँ तुमको। क्या बात करती हो, तुम्हें लगता है यहाँ शिफ्ट होने से मेरी याददाश्त पर कोई फर्क पड़ेगा विमला? सब चीज तो याद है पर एक चीज भूल गए, विमला नहीं कमला। ओ, देश बदलते ही अपना नाम भी बदल दिया। जोर से माथा मत पीटो याददाश्त चली जाएगी। स्वॉट एनालिसिस करने से बिजनेस स्टार्ट करने में मदद मिलती है। लिसन, अगर क्लैरिटी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। व्हाट? व्हाट नहीं, स्वॉट। ओह, स्वॉट का मतलब है मार्केट के बारे में जानना, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इससे हम लोग सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। और ये एनालिसिस हम अपनी लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। पर कैसे? मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरा डिसीजन कि मुझे हर हाल में बिजनेस करना ही है मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरे इस सपने को मैं अपनी फैमिली यानी अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहकर पूरा नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी वीकनेस है। लेकिन दुनिया के साथ चलना, सपने पूरे करना अपॉर्चुनिटी है, और मुझे कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं ये थ्रेट है। वाओ संयुक्ता, काश मुझे भी ये सारी बातें पता होती यार। लेकिन इतना सब पता होने के बावजूद नतीजा हाथ में कहाँ है? अपने सपनों को सच्चाई में बदलना बहुत मुश्किल होता है, पर जीना इसी का नाम है। सो बीइंग पॉजिटिव इज द बेस्ट सॉल्यूशन। संयुक्ता भैया, क्या है ये? ओपन इट। व्हाट? इसी की जरूरत थी। थैंक्स भैया, ये मेरा फेवरेट कलर है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग संयुक्ता, और ये गिफ्ट तुम्हें ये याद दिलाएगा। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी। थैंक यू। ये लो इंटरव्यू लेटर, कल जाकर वहां इंटरव्यू दे दो, ठीक है ना? भैया, समय सबके लिए कीमती होता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और जॉब करना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, और आप अच्छे से जानते हैं वो क्या है। संयुक्ता,
हमने तुम्हारा एडमिशन एमबीए में इसलिए नहीं करवाया था कि तुम यहां अपनी मनमानी करती रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं माननी है तो तुम जा सकती हो, फैसला तुम्हें लेना है। कैंडिडेट नंबर वन, कैंडिडेट नंबर टू, कैंडिडेट नंबर थ्री। Miss Samyukta, you can go in, please. Excuse me, sir. Hey, Samyukta, what a sweet surprise. तुम्हें इंटरव्यू की क्या जरूरत है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। नौकरी चाहिए थी तो मुझसे कहती, मैं तुम्हें उसी वक्त रख लेता। थैंक्स, पर फिर भी मेरा इंटरव्यू जरूर लेना, और अगर मैं इस जॉब के काबिल हूं तो ही मुझे जॉब देना। अपनी काबिलियत से जॉब लेना चाहूंगी। वेल समयुक्ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी काबिल हो, इसलिए मैं तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। बाहर तीन मेल कैंडिडेट्स इस जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो उनकी बजाय मैं एक फीमेल कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट करूं? नंबर वन कि मैं एमबीए ग्रेजुएट हूं, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमेशा मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपर रही हूं। मतलब टॉपर कोई मेल नहीं था, यानी सक्सेस काबिलियत से मिलती है। दुनिया में ऐसे कई काम हैं जिनके लिए मेल्स को नहीं फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है। मल्टीटास्किंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हर कोई जानता है। औरतें इन सब में माहिर होती हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों का कितना ध्यान रखती हैं। एक बच्चे को जन्म देने के लिए औरत कितना दर्द सहती है वो मर्द नहीं सह सकता। साइंस की फील्ड में रिसर्च कहती है कि औरतों की मेंटल स्टेबिलिटी मर्दों से ज़्यादा होती है। बिजनेस के एंगल से भी औरतें जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनाती हैं वो मर्द नहीं बना सकते। मैं समय की कीमत जानती हूँ, इसलिए ना अपना टाइम वेस्ट करती हूँ और ना दूसरों का वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ये जॉब देते हैं तो इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई और बेस्ट परफॉर्मर मुझे ही पाएंगे, ये मेरा दावा है। सो मुझे ये जॉब देना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं। वाओ, इलेक्ट्रिफाइंग, यू आर सिलेक्टेड, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। Make calls to all these people and close at least 10 sales by end of the day. Okay? All right. Okay. Hello? Hi, ye call Matrix Advertising se hai. Ek ad sale ke bare mein. Okay. Hum aapko best rates dete hain print, web aur digital medium par ads ke liye. Any requirements, sir? Sorry, not interested. Thank you. Have a nice day. Yes? Hi, you call Matrix Advertising, sir. Ek ad not se- interested. Okay, thank you. Hello? Hi, this is from Matrix Advertising. Contact. संयुक्ता, तुम्हें कस्टमर्स को अटेंड करना चाहिए। देखो, तुम्हें कस्टमर से अच्छे से बात करनी चाहिए। हे संयुक्ता, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, गुड गोइंग। वो जो पूछे उसका जवाब दो, तुम कर लोगी, मुझे पता है। ठीक है, मायूस मत हो। सुनो सितारा, विजयवाड़ा से जो रिश्ता आया है वो लोग आज शाम तक हमसे जवाब चाहते हैं। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की ताकि एक अच्छी नौकरी कर सकूं, तो क्या मैं शादी के चक्कर में नौकरी छोड़ दूं? ये बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा, नौकरी इतनी जरूरी नहीं है, बहुत हो गया, अब इंडिया वापस आ जाओ। सितारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? इंडिया से मेरी माँ का फोन था, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ते के आगे उन्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है। समझ नहीं आ रहा इस बात को लेकर खुश हूँ या नौकरी जाएगी ये सोचकर अफसोस मनाऊं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो रिश्ता तुमसे तुम्हारी खुशी ही छीन ले वो कैसे अच्छा हो सकता है सितारा?
अभी तो तुम्हारी शादी तक नहीं हुई है, अभी से इतनी कंडीशंस दे रहे हैं तुम्हें, सोचो शादी के बाद क्या होगा। अपनी माँ की बात बिल्कुल मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। अपनी जिंदगी की ओनर, फाउंडर और सोल प्रोप्राइटर सिर्फ तुम हो। बाय बाय। दूसरों से ये कहना बहुत आसान है कि अपने मन की सुनो, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम्हारे मकसद का क्या हुआ? तुम खुद से किया हुआ वादा आखिर कैसे भूल गई? मैं जान गई मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आप कितने महान हो। मैं बड़ी होकर बिजनेस करूंगी। बेटा तुम जिंदगी में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, ये बात इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये बात मायने रखती है कि तुम जिंदगी में खुश कितने हो। जिंदगी में कौन कितना दुखी है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सडनली ऐसा क्या हो गया? देखो, एक कस्टमर या सेलर के बीच का रिश्ता जो होता है वो विश्वास का होता है, और मैं इस तरह से झूठ और छल कपट और कॉम्प्रोमाइज से मैं इस रिश्ते की बुनियाद नहीं बना सकती। मैं घर वालों से बात ऐसे ही करूंगा जैसे हमारी अरेंज मैरिज हो, और हम सिर्फ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं संयुक्ता, और हमें अपनी कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से चलना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज फ्रेंड है जो रोज अपना हक अदा करता है एक क्लोज फ्रेंड की तरह, और झूठ हमारा पड़ोसी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और रही बात छल कपट की तो एक लवर की तरह होता है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही हो। Hey. आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? Is everything okay? Yeah. तुमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, राइट? कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती हो? नहीं, ऑफिस में अच्छा लगता है। घर में कोई परेशानी है क्या? मेरे भाई ने उस दिन हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था, उसी को लेकर घर में टेंशन है। दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जब वो छोटा था कैसा दिखता था? अब देखो कितना बदल गया है। मैं ही हूँ। और देखिए। अच्छा ये कौन है? मेरा नाम विजय आनंद है। हमारी कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही मैं संयुक्ता को जानता हूं। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि जिस चीज की मुझे एक अरसे से तलाश थी, शायद मेरी वो कमी अब पूरी हो गई। जब से उसने ये कंपनी ज्वाइन की है, मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है, और अब मैं उसके बारे में एक एक चीज जानता हूं। उसके साथ ने मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ा दी है। वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाएगी, इसीलिए उसने आप लोगों से हमारे बारे में जिक्र नहीं किया। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। मां होने के नाते आपका डर जायज है। मैं बिना मां की ममता के पला बड़ा हूं। आपका आशीर्वाद रहा तो वो मां बनकर मेरा ख्याल रखेगी और पत्नी बनकर प्यार देगी, वही मेरे लिए सब कुछ होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा, उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, ये मेरा वादा है। सभ्यता, जब अर्जुन ने कहा कि उसने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अच्छा लड़का है। आज सुबह विजय यहाँ हमसे मिलने आया था, उसी ने तुम्हारा हाथ मांगा है। विजय तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा लड़का तुम्हें मिला ये तुम्हारी खुशनसीबी है। हम लोग ने फैसला किया है कि अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करवा देते हैं।
संयुक्ता, लो जो रानी फंसने वाली थी उसी ने राजा को मात दे दी। हेलो, तुम किस बारे में इतनी गहराई से सोच रही हो? कि तुम आज घर गए और हमारी शादी की बात की, बस यही सोच रही हूँ। उस बारे में इतना क्या सोचना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? विजय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैं समझाऊं कैसे। बस शॉर्ट में इतनी बात समझ लो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम शादी ही नहीं करना चाहती हो या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? विजय, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो इतना? जितना कहा है उतना समझ लो। संयुक्ता, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे घर वालों को राजी करना कितना मुश्किल था, अब तुम ही शादी से इनकार कर रही हो। तो मेरे घर वालों से बात करने से पहले मुझसे बात की थी? तुमसे मैं सिर्फ इसलिए शादी करूं क्योंकि तुमने मेरे घर वालों को मना लिया है? मुझे लगा तुम्हारे घर वाले मान गए तो तुम भी मान जाओगी। क्यों, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती। ये मेरी जिंदगी है और मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? संयुक्ता, मेरी बात का जवाब दो। मुझे पता है शादी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जिंदगी अकेले जीने में और किसी और के साथ जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिंदगी की सारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ मैं शादी से पहले अचीव करूँ। जैसे कि? हर इंसान को जिंदगी में सपने देखने का हक होता है और सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, फिर चाहे तुम हो, मैं हूँ या कोई और। और जब कोई ये समझ जाता है उसी दिन उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। मैं भी अपना टैलेंट यूज करना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। संयुक्ता, अब तक मैंने तुमसे एक राज छुपा के रखा हुआ था, मुझे लगता है उसे बताने का वक्त आ गया है। जिस कंपनी के लिए तुम काम करती हो वो मेरी नहीं, मेरे पिताजी की। मुझे सिंपल जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए एक एमडी होते हुए भी मैं यहाँ मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाती हो तो एक तरह से तुम उस कंपनी में पार्टनर बन जाओगी। और जहां तक मैं समझता हूँ तुम जिंदगी में इससे ज्यादा क्या हासिल करोगी? थैंक्स, मैं इस तरह हासिल करना भी नहीं चाहती, मेहनत करना चाहती हूँ। ये जिंदगी मेरी है तो फैसले भी मेरे होंगे। पैसा खुशियां तो लाता है लेकिन कामयाबी का एहसास सिर्फ कड़ी मेहनत लाती है। तुम वो संयुक्ता नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था, तुम बदल चुकी हो। मैं हमेशा से ऐसी थी विजय, शायद तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। अगर 100 औरतें भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती तब भी मेरी नजर सिर्फ तुम पर आकर टिकती। मुझे सिर्फ सिंपल लाइफ और सिंपल वाइफ चाहिए थी, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर यह एहसास हो रहा है कि तुम सिंपल लड़की नहीं हो। मैं हमारे इस रिश्ते को आज और इसी वक्त खत्म करता हूँ। गुड बाय। एक मिनट मिस्टर विजय, जब आप ऑफिस पहुंचेंगे मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपके टेबल पर होगा। संयुक्ता रुको, क्या तुम बताओगी नाराज होकर कहां चली गई थी? चलो अच्छा है आप कम से कम इतना तो समझी, पर मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट, पर तुमने शादी करने से इनकार क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। उसने आपको बताया कि रिश्ता तोड़ने की उसकी क्या वजह है? तो फिर उसके साथ तुम 6 महीनों से क्यों घूम रही थी? या उससे अमीर लड़का मिल गया है तुम्हें? पैसों के पीछे भागने का शौक आपको है, मुझे नहीं है। संयुक्ता कैसे बात कर रही हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं भी तो इनकी छोटी बहन हूँ, देखिए इन्हें कैसी ओछी बातें कर रहे हैं। रहने दो, विजय में बुराई क्या है? वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया? विजय से भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल सकता है। माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आप कब तक और लोगों को अपने बच्चों से बेहतर मानती रहेंगी? मेरे लिए अच्छे लड़कों की फिक्र आप छोड़ दीजिए, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हूँ, ये तो खुशी की बात है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एक बेटी के लिए माँ की फिक्र क्या होती है वो जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों पर गर्व करते हैं और कुछ लोगों को वो एक बोझ लगती है। मुझे अफसोस है कि आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। संयुक्ता तुम अपनी हद पार कर रही हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए चाहती हो कि तुम विजय से शादी करो। अगर मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत है तो उससे शादी करो। मैं अपना सपना पूरा किए बिना हरगिज़ शादी नहीं करूंगी।
आपका भी तो सपना था ना कि आप एक डॉक्टर बने, लेकिन आपके घर वालों ने जबरदस्ती आपकी शादी कर दी और आपका सपना टूट गया और आपका सारा जीवन घर बार और बच्चों के बंधन में उलझ कर रह गया। माँ तो अब सीधे सीधे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो। बिजनेस। संयुक्ता मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बिजनेस का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। आज तक आपने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वही किया, लेकिन मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा। संयुक्ता तुम अपनी सपनों की दुनिया में जी रहे हो जबकि जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल अलग है। तुम एक लड़की हो और वो भी यूएसए में रह रही हो। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हो। ये घर तुम्हारे भैया के पैसे से चलता है और ये सब ना सोचते हुए तुम बिजनेस करना चाहती हो। चलो मानते हैं तुमने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन सक्सेस की क्या गारंटी है? गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं होती, पर दुनिया चल रही है ना भाई, पता है क्यों चल रही है? उम्मीद से। मैं ऐसा नहीं मानता। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। आप साथ दो या ना दो। आज तक मैंने तुम्हें और इस परिवार को संभाला है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रहा हूं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर रहना है? बहुत खूब, एक तो अपने भैया की बात माननी नहीं, मनमानी कर रही हो और उस पर उंगली उठा रही हो। मैं जानती हूँ अब जो मैं बोलूंगी उस पर आपको कोई विश्वास नहीं होगा। ये पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी शादी की सारी तैयारियां कर चुका है, जरा पूछिए इसे। उस घर में मैं एक पल नहीं रहूंगा जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे कारण घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ इसलिए मैं घर छोड़ूंगी। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगी जब कुछ बन जाऊंगी। संयुक्ता बाहर जा रही हो, जल्दी आना। सुना संयुक्ता तुमने अचानक यहां क्यों बुलाया? अब मैंने अपना घर छोड़ दिया है, जॉब भी नहीं रही और मेरा विजय से भी ब्रेकअप हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो, पर क्यों? खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खुद का बिजनेस? पर कैसा? चाय, वो भी इंडियन चाय। इंडिया में चाय पेट्रोल की तरह है, जब तक वो चाय की चुस्की नहीं ले लेते उनका दिन शुरू नहीं होता। खुशी में और फिक्र में, दुख में, डर में, गुस्से में, चिढ़ में, चाहे मौका कोई भी हो, चाय ही उनकी असली साथी होती है। लेकिन इस देश के लोग चाय का मजा क्या जाने, इन्होंने तो बचपन से सिर्फ और सिर्फ कॉफी पी है। उन्हें चाय पीने के लिए मजबूर करना है और इसके लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। मतलब तुम चाहती हो हम सब मिलकर चाय बेचें? कॉफी डे के दिन ये लोग हद से महंगी कॉफी बेचते हैं, अगर ये लोग कॉफी बेच सकते हैं तो हम लोग चाय क्यों नहीं? कम ऑन संयुक्ता, स्टॉप जोकिंग, बिजनेस के लिए प्लानिंग चाहिए, कोई मजाक नहीं है ये। ये सच में बहुत बड़ा रिस्क है संयुक्ता, अगर ये आइडिया नहीं क्लिक हुआ तो हमारी मेहनत, पैसा और टाइम सब वेस्ट हो जाएगा। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना, अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं, यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं है। I'm sorry, संयुक्ता, मुझसे नहीं होगा। Chai? What's chai? A chai is Indian tea. A cup of chai makes everything better. No, thank you. Hey! Would you like to have some chai? Not interested. It's Indian tea. Hi, would you like to have some chai? Try this. No. Hey, would you like to have some chai? Indian tea. No. Hi, would you like to have some chai? What chai? A chai is Indian tea. You'll love it. Superb. I like it. Thank you so much. You don't have required permission to sell here. Get out right now. Remove it. Sir, I'm not doing any mischief. I'm just making tea. Sir, please understand, sir, please. No, I can't help it. Sorry. Sir, please. Please. Sir, please.
Please come with me. I'm not doing any mischief. Please, sir. चलो माँ। If you can give me 25 yards of your space, I can give you 25% cut from my profits. No, I'm sorry. Thank you. All right. So, if you can give me 30 yard space in your hotel, I can give you 30% cut of my profits. No, I'm sorry. But you can meet Kailash. He is the owner and founder of the KSK Coffee Chain group of companies. He is also an Indian. Maybe he can help you. Thank you. Okay. Yes, may I help you? Hi. I would like to meet the MD, Mr. Kailash. But do you have an appointment? No. Sorry, ma'am, it's not possible. Just tell him he might miss an opportunity if he doesn't meet me. Wait a second. Sir, well, she says that you are going to miss an opportunity if you don't meet her. Ek din is mukam par zarur pahunchungi. Okay. Sure, sir. Please wait in the hallway. Thank you. Hi. Hello. किससे मिलना है आपको? अरे, आप तो पूरे अमेरिकन दिखते हैं, लेकिन इंडियन हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेंट? कॉम्प्लीमेंट है सर, जैसा देश वैसा भेस, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे। खैर, अब तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हें किससे मिलना है। कैलाश शिवकुमार, वही जो इस कंपनी के एमडी हैं, वैसे वो भी इंडियन ही हैं। उनसे मिलने की कोई खास वजह? बिजनेस प्रपोजल। ओह, तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट भी यही पूछ रही थी, क्या करें, लोगों से मिलने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। रोलेक्स वॉच, पॉलिश्ड शूज, स्मार्ट ड्रेस। वैसे आपको देखकर लगता है आप भी किसी से मिलने ही आए हैं यहाँ पर। अपॉइंटमेंट है आपका? कैलाश को कैलाश से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत? केस के कॉफी चेन के ओनर एंड फाउंडर और ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, 3 बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड्स के विनर, अमेरिकन एंटरप्रेनर की टॉप लिस्ट में सिर्फ एक इंडियन। एक और बात, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतने बिजी आदमी से कभी नहीं मिले होगी। कैलाश शिवकुमार। अपॉइंटमेंट एक छोटा सा नियम है सिर्फ इसके लिए ताकि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपना कीमती समय फुर्सत से निकाल सके। खैर, बाहर तुमने कहा कि तुमसे नहीं मिला तो मैं एक सुनहरा मौका खो दूंगा, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि मौका और अपॉइंटमेंट किसी खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए जरूरी नहीं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वेलकम। मानसा संयुक्ता। नाइस डे। कंग्रेचुलेशंस इस एम्पायर के लिए और थैंक्स कि आप यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। संयुक्ता, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी जिंदगी एक राज की तरह हो। कभी सोचा नहीं था कि औरों के लिए मिसाल बनेगी। लोगों को सोचना चाहिए कि एक इंडियन अमेरिकन से इतना कामयाब कैसे हो सकता है। मेहनती लोगों के लिए मेरी जिंदगी कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए भी मिसाल होनी चाहिए जो कड़ी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज मैं हूं। खैर, तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है? आपकी कॉफी शॉप में मेरी चाय को जगह मिल जाए तो हम दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तुम्हारे प्रोडक्ट से ज्यादा मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन पसंद आया।
दो चीजें हमेशा याद रखना, संयुक्ता और कैलाश तो पार्टनर बन सकते हैं लेकिन चाय और कॉफी कभी दोस्त नहीं हो सकते। नंबर टू, अमेरिका की जमीन कॉफी की तलबगार है, चाय के लिए कोई जगह नहीं। और यही तो जगह बनाने का अच्छा मौका है। जिन्हें अपना माल बेचना होता है वो मौके से ज्यादा जरूरत पर ध्यान देते हैं संयुक्ता। यहां कोई भी चाय पसंद नहीं करता, लोग मेरी कॉफी पसंद करते हैं। मेरी कॉफी से लोगों को रिलीफ मिलता है। माफी चाहूंगी पर अब तक अमेरिका में जिन्होंने भी मेरी चाय पी है उन्होंने कहा है कि वो कॉफी से 10 times बेटर रिलीफ देती है। कॉम्प्लीमेंट है सर। What? लोग एक साउथ इंडियन लड़की के हाथ की चाय को कॉफी से बेहतर कैसे समझ सकते हैं? वेरी फनी। आप चाहे तो फनी कह सकते हैं सर, पर क्या करें, सच तो यही है। उन्होंने मुझसे वही कहा जो उन्होंने महसूस किया। चाहे तो आपके लिए भी बना सकती हूँ, टेस्ट करना चाहेंगे? जरूर करूंगा, पर अभी नहीं। जब तुम अपना बिजनेस शुरू कर दोगे और मेरे मुकाम पर पहुंच जाओगी उस वक्त। श्योर, मैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, अपनी जी जान लगा दूंगी सर। इसलिए बिल्कुल नहीं कि आपको हरा सकूं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए, और वो तो मैं करके रहूंगी। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कभी मुश्किल ना बनूं। तुम्हारे लिए $1,000 का चेक तुम्हारे ऊपरी खर्चे के काम आएंगे। मुझे तुम्हारी चाय का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। $1,000 शायद आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन इससे मेरा सफर शुरू हो चुका है। हाय। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे पास जितने पैसे हैं उससे शायद मैं बिजनेस स्टार्ट ना कर पाऊँ, लेकिन इतने तो हैं कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। इसलिए मैंने एक छोटी सी चाय सेरेमनी रखने का फैसला किया है। हमारे यहाँ चाय का रिवाज आज से नहीं बल्कि पुरखों के जमाने से चला आ रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले साधु संत भी ऐसी सेरेमनी रखा करते थे जिसमें ऋषि मुनि अपने स्कॉलर्स को और दूसरे स्कॉलर्स को अपने यहाँ चाय पर इनवाइट किया करते थे। जो लोग भी उनके यहाँ आते थे वो चाय पीने के बाद मन को शांत करके वापस अपने घर लौट जाते थे, और जब वो अपने दोस्तों और घर परिवार में जाते तो इस चाय सेरेमनी की खूबियों का जिक्र उन लोगों से जरूर किया करते थे, और फिर अगली चाय सेरेमनी में अपने साथ उन लोगों को भी जरूर लाते। मेरा प्लान है कि मैं ये पर्सनली करूँ, और जो लोग इस चाय कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से जानते हैं वो इसे टेस्ट करेंगे और फिर दूसरों को समझाएंगे। हाय, प्लीज डू कम फॉर माय चाय सेरेमनी। चाय? व्हाट्स चाय? प्लीज अटेंड टू नो मोर अबाउट इट। आई ट्राई। थैंक यू। व्हाट इज दिस? इट्स अ चाय सेरेमनी। ओह, आई विल बी देयर फॉर श्योर। थैंक यू। $1,000 कमाने की काबिलियत है तुम में, फिर भी $10 की चाय बेचने के लिए बेकार की ये मेहनत कर रही हो। अजीब है कि आपको मेरी मेहनत नजर आ रही है लेकिन मेरे दिल की आवाज नहीं सुनाई दे रही। हमारी पड़ोसन सुजाता ने तुम्हें रास्ते पर चाय बेचते हुए देखा है। छोड़ो माँ, शर्म आती है इसकी हरकतों से, इससे बात करना ही बेकार है।
जाने दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपनी जिद छोड़ो और चलो घर आ जाओ। पॉइंट नंबर वन, जब तक हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमें शर्मिंदा होने की या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर टू, मैं रोड पर तमाशा नहीं कर रही थी, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही थी। पॉइंट नंबर थ्री, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुलोचना या सुजाता क्या सोच रही हैं, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। अगर अब भी आप मेरे दिल की बात ना समझ पाई हो तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप समझ पाएंगी। Hey, चाय सेरेमनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ चाय के कॉन्सेप्ट की पहचान बनाने की कोशिश कर रही हो। इट्स रियली ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? मानसा संयुक्ता। नाइस। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? चलिए आप अंदर चलिए। अरे देखो, अरे, ये कितनी मेहनत कर रही है, हमारी बेटी कैसी है ये? हमें इसका हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा मैं। नमस्कार, मानसा संयुक्ता नाम की एक भारतीय लड़की ने चाय सेरेमनी नाम एक कार्यक्रम में शनिवार शाम 7 बजे रॉयल थिएटर में आयोजित किया है। आप इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे, तब तक आप इस गाने का आनंद लीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है मानसा संयुक्ता। जितने भी इंडियंस यहाँ मौजूद हैं और चाय में इंटरेस्ट रखने वाले अमेरिकन्स का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा मकसद आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपकी चाय के लास्ट सिप से पहले मेरे स्पीच की लास्ट लाइन खत्म हो जाएगी। चाय से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। जब मैं छोटी थी और मुझे सर्दी, खांसी या बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं दूसरों की तरह दवा नहीं लेती थी, बल्कि मेरे दादाजी मेरे लिए चाय बनाते थे। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मुझे अमेरिका आए सिर्फ 1 साल हुआ है। आमतौर पर यही मानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, पर इस डेवलप्ड कंट्री में सबसे आश्चर्य की बात ये है कि आपको इंडियन चाय नहीं मिलेगी। सच कह रही हूँ, नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडियन चाय का बिजनेस करूंगी। But we have green tea here. That's green tea. I'm talking about Indian chai. One of which you're tasting right now. Yeah, this is supreme. Nothing like it. Thank you. Coming back to the point, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ इंडियन टी कल्चर शुरू करूँ। ये अमेरिकन और इंडियन कल्चर को साथ लाने का मौका है, इसलिए मैं इसे अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ। वेरी नाइस। मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। मैं भारतीय हूँ, लेकिन मेरी परवरिश यही अमेरिका में हुई है, इसलिए चाय का कल्चर जानता नहीं। इसके बारे में और कुछ बता सकती हो? मेरा मतलब कुछ खास विशेषताएं? जरूर, क्यों नहीं। इंडियन टी कल्चर ऐसा है कि एक भी दिन नहीं जाता जब दिन भर में लोग एक बार भी चाय न पिए। लेबर हो या फिर लॉयर हो, स्टूडेंट हो या फिर साइंटिस्ट हो, बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो, वर्कलोड हो या फिर लाइफ का कोई और टेंशन हो, हर स्ट्रेस को रिलैक्स करने का एक ही तरीका है। चाय ही वो चीज है जो हर चीज का समाधान है। तो आइए अपनी परेशानियों को दूर करें, चलिए चाय से शुरुआत करें। US में चाय होनी चाहिए या फिर नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो मुझे इसमें आपकी हेल्प की जरूरत है। जिन लोगों ने भी यहाँ चाय पी है, मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं, अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस बारे में बताएं। बस आपकी इतनी ही मदद काफी होगी। बट मैं संयुक्ता, व्हाट ब्रांड इज इट? मिस इंडिया, आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया और मेरी बातों को ध्यान से सुना, थैंक यू। वैसे आपको मेरी चाय कैसी लगी? सुपर। थैंक यू, थैंक यू। ये वाकई बहुत अच्छी चाय सेरेमनी थी। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस पर काम किया है, लेकिन उनमें से कुछ ही बिजनेसेस शुरू किए हैं। आपकी पब्लिसिटी में एक नयापन है, कमाल कर दिया आपने। Thank you so much. A big business always succeeds. I wish you good luck. मैं थोड़ी और चाय ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? ये लीजिए। Thank you. मेरा कार्ड. Just in case if you need any help. Sure. Thank you so much, sir. You can call me Vikram. Thank you, Vikram. Cool. See you. Bye. Bye.
संयुक्ता, हमें सच में आइडिया नहीं था कि तुम अपने बिजनेस को लेकर इतनी सीरियस हो। चाय सेरेमनी की कामयाबी देखकर सब पता लग गया। अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं संयुक्ता। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका दुनिया की सबसे मशहूर जगह है। मिस इंडिया लॉन्च करने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा स्पॉट चाहिए। नैना, बता सकती हो इस पर कितना खर्च आएगा? रफली कैलकुलेट करूँ तो $500,000 का बजट तो रखना ही पड़ेगा। इंडियन करेंसी में हुआ 3 crores। फिर तो हमें कोई बड़ा इन्वेस्टर चाहिए होगा जो हम पर भरोसा कर सके और जिससे हमारे बिजनेस पर भरोसा भी हो। विक्रम? हाँ, चाय सेरेमनी वाले डे भी मैंने देखा था कि वो बात कर रहा था। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो। पहले वो फाइनेंस में ही था। उसने काफी लोगों की हेल्प की है, काफी लोग सक्सेसफुल हुए हैं। बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या सोचता है इस बारे में। मिस संयुक्ता इज हियर टू मीट यू। हे संयुक्ता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो विक्रम, बैठिए ना प्लीज। इन लोगों ने आपको कुछ ऑफर किया या नहीं? आप सॉफ्ट ड्रिंक लेंगी या मिस इंडिया स्पेशल चाय? एक्चुअली मुझे जो चाहिए वो ये लोग नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा क्या है? मिस इंडिया के लॉन्च के लिए हमें कम से कम 3 crores इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं सोच रही थी कि आगे बताइए। हमारा प्लान है कि हम आपको ईयरली प्रॉफिट में से 25% शेयर देंगे। उसके हिसाब से 4 साल में हम आपको इंटरेस्ट के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका ये प्रोडक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा जबकि ये नया है? आप टेस्ट और टेस्ट कर चुके हैं, इसे सक्सेसफुल तो होना ही है। पर ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं ये तो आप ही बता सकती हैं। नहीं, आपका किसी ब्रांड के साथ एसोसिएशन नहीं है। किसी भी और कंपनी ने आपके जैसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ऐसे में आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 0.1% है। मैंने तो जीरो से शुरुआत की थी तो 0.1% को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगी क्योंकि मेरे लिए ये एक सपना है। फॉरगिव मी संयुक्ता, सपनों पे और किसी ख्वाब पे पैसा लगा पाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप में जो पैशन है और डिटर्मिनेशन है उसे देखकर मैं कायल हूं। मैं अपने बिजनेस रूल्स को साइड में रखकर आपके बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। आपने जितना प्रॉफिट सोचा है उससे 1 साल में 1% भी कम हुआ तो आपको मेरा पैसा इंटरेस्ट समेत वापस देना पड़ेगा और मिस इंडिया ब्रांड भी मुझे बेचना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? ये तो अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो हम अभी अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तैयार रखिएगा। प्रीति, अच्छे पोस्टर से जैसे किसी धमाकेदार मूवी का इंप्रेशन क्रिएट होता है, हमारे बिजनेस के लिए भी ये लोगो वैसा ही इंपैक्ट क्रिएट करेगा। In the history of America, an Indian woman starts a business called Miss India with Indian chai. Let's wait and see what she can do. So the day has finally come. Chai ki kahani mein ek naya panna. Chai wo bhi United States of America mein. Thank you, Vikram. तुम्हारी वजह से हो पाया।
मिस इंडिया ब्रांड की ओपनिंग रखी है और तुम उसके चीफ गेस्ट हो। मैं क्यों? मुझे चीफ गेस्ट क्यों बना रही हो? किसी की भी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका टैलेंट और हौसला नहीं होता, वजह होते हैं वो लोग जो जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं, जैसे कि तुमने मेरा साथ दिया। मिस इंडिया का मेरा सपना तुम्ही ने तो पूरा किया है, तो तुमसे बेहतर चीफ गेस्ट और कौन होगा? पैसा कमाने के लिए मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, पैसा देकर मैंने बहुतों की मदद भी की, मगर फिर भी जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन की कमी रही है। लेकिन आज जो काम मैंने यहां पर किया है ना, उससे सेटिस्फैक्शन के साथ जिंदगी में एक नया मकसद दोनों मिल गए हैं मुझे। ये तुम्हारी वजह से, थैंक यू सो मच। मैं आऊंगा तुम्हारा चीफ गेस्ट बनकर, इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया गया है, इसलिए कि तुमने बुलाया। थैंक यू। Miss India, I think we should taste chai here. Chai? No, no, no. Let's go, please. Yeah. So, so cute. Thank you so much. Is the name Jingle? Jingle, yeah. Now that you're here, would you like to taste some chai? We started today. Sure. Mm-hmm. Okay. Please have a seat. Thank you. There you go. This is our special Indian chai. Mmm, nice. Mmm, amazing. Thank you. I'll keep coming from tomorrow. Thank you. It'll be our pleasure. See you, Jingle. This is your tandoori chai. Thank you. Yes? Give me 5 minutes. Okay. As usual, 5 minutes तक flirt करने वाला है। Hey, if you don't mind me asking, you like her, don't you? What's stopping you from talking to her? My voice. Would you if your voice is all right? Give me 5 minutes. Indian special. कुछ हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, बहुत कुछ। यही मैजिक है इंडियन स्पेशल का। So, you finally got the guts to talk to me. All credit to this great Indian woman and her delicious chai.
Hello. Here's your love chai. Thank you. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to the Miss India family. आज हमारी पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, ये बताते हुए हमें खुशी है. एंड नाउ प्लीज वेलकम आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस मानसा संयुक्ता. It is great to be a part of this family. We shall conquer the world soon. Thank you. Coffee is our only competition in this business. We should take over them and crush them. I appreciate it. But the only competition we have is ourselves. Mm-hmm. If we better ourselves every second and move ahead, we shall be on the top eventually. तुम वाकई में मिस इंडिया हो. इंडिया के छोटे से शहर से आई और अमेरिका के बिजनेस जगत पर राज करने वाली हो. Simply great, huh? मेरा एक ही गोल है. McDonald's, KFC, Starbucks, ये ब्रांड्स कैसे शुरू हुए थे? छोटे छोटे ब्रांड्स की तरह और देखते ही देखते ग्लोबल बन गए. मिस इंडिया को भी एक ऐसा ब्रांड बनना है कि अमेरिका के हर इंसान को पता रहे कि मिस इंडिया क्या चीज है. मिस इंडिया एक इंसान नहीं है, मिस इंडिया एक ब्रांड है. आज हम सब जो इस बोर्डरूम में इकट्ठा हुए हैं उसकी वजह सिर्फ एक औरत है. उसने चाय का धंधा शुरू किया. जिस कंपनी की औकात $1 के टर्नओवर की नहीं थी, आज उसकी हैसियत इतनी बढ़ गई कि वो हमारे मुकाबले में खड़ी हो गई. अगर इस मिस इंडिया पर लगाम नहीं लगाई तो कल उसकी शोहरत केस के कॉफी को भी पार कर जाएगी. एनी आइडियाज? Seasonal sales offers, celebrity brand ambassador, cross promotion sir, discounts. Customers को discount देने का मतलब होगा कि हम अपनी coffee की value गिरा रहे हैं. Price गिराने से तो अच्छा है downfall, लेकिन हमें downfall नहीं चाहिए. हमें customers को attract करना होगा. एक औरत ही औरत को नीचे गिरा सकती है. आज के बाद हमारे हर outlet में every Saturday hot लड़कियां होनी चाहिए. कॉफी सर्व करने वाली लड़की बारीक लाइनिंग पर बिकनी में होगी. कस्टमर्स के लिए खुला ऑफर रखो कि वो चाहें तो अपनी पसंद की लड़की के साथ सेल्फी ले सकते हैं. एक आदमी जो पूरे हफ्ते काम पर रहता है, ये हॉट लड़कियां उसके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया होंगी. दैट वे हम अमेरिकन्स को टारगेट करेंगे और जो मिस इंडिया की कामयाबी का जरिया बने उन्हें भी तोड़ सकते हैं. दो निशाने एक तीर से चलाएगा केएस के कॉफी. नॉट ओनली दैट, लकी ड्रॉ का भी इंतजाम होगा. अनाउंस करवा दो कि जो भी कस्टमर्स हमारी कॉफी पियेंगे उन्हें इनाम में $1 million भी मिल सकता है. Wow, you are genius, Kailash. So, it's not going to be a Saturday from now. It's going to be a KSK from now. Thank you.
Thanks for your golden tea. There you go, golden tea. Hi. Hi. आप explain करेंगी जरा? So you have a KSK bill with you? No. Okay. अगर आपके पास KSK bill है, तो signature चाय free मिलेगी. और हमारे पास मसाला चाय, तंदूरी चाय और दमदार चाय भी है. Okay, मैं KSK bill लाता हूँ. Sure, thanks. Hi guys, this is Manasa Samyukta. And if you really like our chai, please visit Bloomberg and vote for us in the ongoing competition. And I would love to know your feedback, comments, anything that you would like to share with us in the feedback box, which is right there. So I hope you guys are enjoying your chai. Yes! Sir, इस समय हम नई marketing strategy पर काम कर रहे हैं, जिससे हम उनका मुकाबला कर सकें. मैं आपको शाम तक update करता हूँ. Sir, केस के डे की तरह लोगों से भी मिस इंडिया डे कह रहे हैं. उन्हें ये आइडिया नहीं देना चाहिए था. आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस. हमारी ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसके लिए सब क्यों करें? शेर की खाल पहन लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता. इस कहावत को सच साबित करना है. मिस इंडिया तो बस स्टार्टअप कंपनी है. हमारे धंधे को धक्का लगता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्री की चाय पिलाकर उन्हें भारी नुकसान होगा. भले हम कंपटीशन में हार जाएं या लोग हमारे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि अनऑफिशियली उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा. Forget it. By the way, इस ऑफर को एक हफ्ते के लिए जारी रखो और साथ ही तैयारी करो. लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट को अपनी कंपनी के एनिवर्सरी वाले दिन ग्रैंड तरीके से करना है. Sure, sir. Take care. नमस्ते. नमस्ते. Here you go. You want more? Okay. Enjoy your chai. बस 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 करो. आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं कुछ भूल रहा हूँ. क्या भूल रहा हूँ मैं? क्या आपके पास केएस के बिल है? केएस के बिल? हाँ. तुम्हारा मतलब ये? बिचू. यस मैडम. दो स्पेशल चाय. ओके मैडम. ये है आपकी स्पेशल चाय. टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी है. अद्भुत, मजा आ गया. आप अकेले आए हैं? आपके साथ कोई नहीं आया? क्या मतलब? वाइफ या बेटा? मुझे क्या पता, हो सकता है बिजी होंगे. आपकी बेटी? तुम्हें एतराज ना हो तो एक कप चाय और मिलेगी प्लीज. मुझे बहुत अच्छी लगी. जरूर मिलेगी. KSK and Coexist, a warm welcome to each and everyone here. We all have gathered here to pick the lucky draw from the polls. From several thousands of entries, we have shortlisted a few. And now I invite MD of the company, Mr. Kailash Shivkumar. KSK Coffee US की हमेशा से सबसे best drink रही है. कुछ कंपनियों ने अपनी घटिया किस्म के drinks market में launch की हैं. लेकिन फिर भी अमेरिकन्स के दिल पर केएसके का ही राज रहा. उनकी इसी वफादारी को नजर में रखते हुए हमने ये कॉन्टेस्ट रखा है और इस लकी ड्रॉ में जीतने वाले को हम लकी प्राइज देंगे. एंड द विनर ऑफ द लकी नंबर इज 911233. कैन आई सी द लकी विनर प्लीज? Thank you.
आओगे मिस्टर कैलाश शिव कुमार? शौक लग गया क्या? या सोच रहे हैं इस कंपटीशन में मैं कैसे जीत गई? तुमसे टक्कर लेने के लिए जो रिस्क मैंने लिया था, आज उसी की वजह से इस मुकाम पर आ पहुंची हूं। वैसे तुम्हारी कॉफी पीने वालों में मेरे पिताजी भी शामिल थे। किस्मत तो विरासत में मिली है मुझे। पिछले एक महीने से लोगों को जो फ्री में चाय पिलाई है मैंने, आज हिसाब बराबर हो गया। बस प्रॉफिट्स। मैं इसे खराब समझूंगा। आपने कहा था ना चाय घटिया ड्रिंक है, तो आपके लिए खबर है। केएस की कॉफी और मिस इंडिया चाय, दोनों ड्रिंक्स पीकर लोगों ने अपना फीडबैक दिया था और 90% पब्लिक को मिस इंडिया केएसके से बेहतर लगी। सो लुक्स लाइक चाय हैज अ प्लेस इन दिस कॉफी लैंड। मैंने आज सिर्फ लकी विनर कॉन्टेस्ट ही नहीं जीता है, जब चाय और कॉफी के कॉम्पिटिशन में चाय जीतेगी वो दिन होगा जब मैं बनूंगी रियल विनर। समझे कि नहीं? सेल्फी प्लीज। स्माइल। थैंक यू। The ongoing neck-to-neck competition between KSK Coffee and Miss India Chai, Mansa Samyukta has come out with flying colors, putting KSK in a big question mark. It will be interesting to see what her next move is. Keep watching for more updates. Stay with us. Growing business. Miss India. Fantastic. Truly fantastic. You know, जब मैंने कॉफी का बिजनेस शुरू किया था, मुझे 2 साल लग गए थे इस मुकाम पर पहुंचने में, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 महीने लगे। कमाल है, ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरी चाय आपकी कॉफी से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। I'm sorry. उस रोज मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं तो ये कहूंगी कि उस रोज आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की थी, तो फिर कैसे समझ पाते? देखो, गुजरा हुआ कल सपने की तरह होता है, उसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। ख्वाबों की दुनिया में रहना ठीक नहीं, तब जाकर इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है। ये मेरी फिलॉसफी है। अगर मेरी कामयाबी से पहले आपने मुझसे ये कहा होता तो हो सकता है कि मैं आपसे कहती कि एक्सक्यूज मी, Can I have a cup of chai, please? Samyukta, तुम्हारे जैसी ज़हीन शख्सियत को बहकाना इतना आसान नहीं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। यह ब्लैंक चेक है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर यह कम लगे तो परसेंटेज भी दूंगा, लेकिन यह बिजनेस मेरी कंपनी के अंडर होगा। मैं तुम्हारी मिस इंडिया को अपना ब्रांड देना चाहता हूं। तुम ही ने मुझसे कहा था टी कॉफी में दोस्ती नहीं होती, उसी तरह संयुक्ता और कैलाश में भी नहीं होगी। तुम मुझे मेरी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, तुमने आखिर ये सोच कैसे लिया कि तुम मुझे ये प्रपोजल ऑफर करोगे और मैं तुम्हारी एक घटिया और बेवकूफ चाल नहीं समझ पाऊंगी? कामयाबी को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो खून पसीना बहाकर मेहनत से मिलती है। इसे हासिल करने के लिए मैंने दिन रात एक किए हैं कैलाश शिव कुमार, ये मेरी विरासत है, समझ गए? जिंदगी में हीरो बनने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनों की जिंदगी के लिए विलन बन जाऊं, तुम्हारी जिंदगी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बात याद रखना,
मेरी नजरों से बचकर इतनी लंबी छलांग लगाई है तुमने, लेकिन अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है। देखें कितना उड़ती हो। मैं इतनी दूर अपनी मेहनत से आई हूँ, किसी से भीख मांगकर नहीं। और तुम ये भूलना मत। मैं भी देखता हूँ तुम इस विश्वास और अकल के साथ कैसे जीती हो। हे हाय। हाय। ये कैलाश हमारे कैफे में क्या कर रहा है? मिस इंडिया खरीदने आए थे। मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी, काफी डिसअपॉइंट होकर गए। कैलाश इज अ वेरी वेरी डेंजरस मैन। हालांकि हमने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें डरने की जरूरत पड़े, मगर कैलाश से डरना चाहिए। आज के बाद हमें हर चीज देख परख कर करनी पड़ेगी, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ओके, छोड़ो ये सब। कल शाम 6 बजे तैयार रहना तुम, तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रीट है। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। हाय, कम प्लीज सिट। स्वीट, वाओ, अच्छी जगह है विक्रम। या थैंक यू सो मच। सच में कोई खास बात है क्या जो ये ट्रीट? सो इज दिस योर फर्स्ट? फर्स्ट क्या? फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर। ऑफ कोर्स इट इज। और तुम्हारे लिए? तुम्हारे साथ तो पहला ही हुआ ना। पर अब तक ओकेशन नहीं बताया। इट्स माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विक्रम। थैंक यू सो मच। मेरी आदत है कि मैं अपने हर बर्थडे पर एक नया वादा करता हूँ। इस बर्थडे पर भी मैंने एक वादा किया है। और वो क्या है? टू गेट मैरिड। कांग्रेट्स। कौन है वो लकी गर्ल? अब तक मैं जिंदगी में सिर्फ लॉजिक और रीजन की वजह से ही आगे बढ़ा हूँ, मगर तुमसे मिलने के बाद मुझे इमोशन पर भी भरोसा होने लगा है। मैं अपनी नई जिंदगी तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करके, अगर तुम्हें मंजूर है। देखो, तुम मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन हो विक्रम। तुमने बिजनेस पर और मुझ पर जितना भरोसा किया, उतना इस दुनिया में कोई नहीं करता। मेरी कामयाबी की वजह तुम हो, लेकिन मेरे दिल में मिस इंडिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी बस इसी में समाई है। मैं तो खुद के लिए भी कभी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, जरूरत ही नहीं लगती। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी। छह महीने आज अमेरिका में मिस इंडिया की कामयाबी को पूरे 6 महीने हो गए हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस मानसा संयुक्ता। थैंक यू। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इन 6 महीनों में हमारे बिजनेस ने 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 9% प्रॉफिट मार्जिन दिया है, लेकिन हमारे लगाए हुए 25% प्रॉफिट अनुमान के अनुसार 16% घाटा है। तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालें। इफ नॉट देन वी वोंट बी एबल टू अचीव अ टारगेट। एक्चुअली अगर हम नॉर्मली भी परफॉर्म करते हैं तब भी टारगेट तो पूरा हो जाएगा, बट दैट इज अ लिटिल रिस्की। 2 दिन पहले हमें अपनी कंपनी अकाउंट पे एक मेल आया था, बिजनेस प्रपोजल था फ्रॉम BMC डीलर्स। प्रपोजल क्या है? अगले 6 महीने तक हमें अपने मटेरियल के 3 शिपमेंट डिलीवर करने होंगे BMC सॉल्यूशंस को, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। बट ये क्रेडिट बेसिस पर होगा। इफ वी गो अहेड ऑन दिस तो हमें इस डील से 30% प्रॉफिट हो सकता है। ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि हम इन लोगों को क्रेडिट पे माल दे सकते हैं। इट्स वेरी रिस्की। प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग अपनी पॉलिसीज ना तोड़े तो अच्छा है। इसमें रिस्क है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं विक्रम, लेकिन अगर हम बिजनेस प्रपोजल्स इसी तरह ठुकराते रहे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग पहले बैकग्राउंड चेक कर लें और सबको लगे कि ये सेफ है, आई थिंक वी कैन गो अहेड। ओके, अगर तुम्हें भरोसा है तो मुझे कोई इशू नहीं, बट रिमेम्बर वन थिंग, एक भी गलती हुई तो मैं इस बिजनेस से बाहर। नैना, कल से प्रोसेस शुरू कर दो। श्योर।
हेलो संयुक्ता। क्या नैना? मैंने बीएमसी सॉल्यूशन की पूरी बिजनेस हिस्ट्री निकाल ली है और करंट स्टेटस भी। रिपोर्ट क्या कहती है? उनका फीडबैक पॉजिटिव है एंड आई थिंक वी सेफ। ग्रेट, हम ये डील कर रहे हैं। ऑलराइट। Miss India is very happy and privileged to be associated with BMC. Same here. I hope our association lasts very long. Sure it will. हाँ बोलो प्रीति। संयुक्ता, रिचर्ड का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। What? मैंने कितनी बार तुमसे कहा था कि इस डिसीजन के बारे में सोच लो। तीन शिपमेंट, इन तीन शिपमेंट्स में हम उन्हें $8,00,000 का सामान भेज चुके हैं और उनका पहला चेक ही बाउंस हो गया है। इसका मतलब हमारा प्रेजेंट रनिंग कैपिटल बिल्कुल जीरो पर आ चुका है। अगर इस प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द नहीं निकाला तो हम लोग बिजनेस बंद करने के कागार पर होंगे। हमारे एम्प्लॉयज भी बात कर रहे हैं कि कंपनी डूबने वाली है। हमने उन्हें लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं दी। काफी लोग तो नौकरी छोड़ चुके हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्हें भरोसा है। उन्होंने कहा वो 10 दिन वेट करेंगे। अगर 10 दिनों में हमने उन्हें सैलरी नहीं दी तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। मेरी क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटाने में मदद करेंगे। लेकिन हमने तो कोई इंश्योरेंस लिया ही नहीं। हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था, मैंने लिया था। अब जो भी पैसा आएगा वो मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। जो मैंने तुम्हारे बिजनेस पे पैसा लगाया था तभी तय कर लिया था कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, और इसीलिए मैंने इंश्योरेंस लिया था अपने लिए। विक्रम, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। हमारे एम्प्लॉयज भी इस वक्त कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उनका विश्वास नहीं तोड़ना है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। संयुक्ता, मैंने जो लाइफ में अपने लिए रूल्स बनाए वो कभी तोड़े नहीं, मगर पहली बार तुम्हारे लिए तोड़े। मैं जानता तक नहीं था कि तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, फिर भी मैंने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया। वो मेरा पहला फेवर था तुम्हारे लिए, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें मुझे 3 करोड़ वापस देने हैं और उसी के साथ तुम्हें अपना मिस इंडिया ब्रांड भी मुझे देना है। पर मैं तुमसे वो नहीं मांग रहा, ये मेरा तुम्हारे लिए दूसरा फेवर है। और अब तो तुम तीसरी बार मदद मांग रही हो मुझसे। सच कहूं तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, पर एक बात कहूं, वो इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और ये बात तुम भी जानती हो। किसी अनजान लड़की के लिए इतनी मदद कर देना तभी हो सकता है जब उसके दिल में प्यार हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम्हें एक बार समझ नहीं आई, दूसरी बार भी समझ नहीं आई, तो फिर अब क्या फायदा? फेवर विक्रम, मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मुझे सही मौके की तलाश थी, और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला तुम्हारा अपना था, और इस तरह से ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी। और रही बात तुम्हारी सारी मेहरबानियों की, तो हमारे एग्रीमेंट की वैलिडिटी में अभी 3 महीने बाकी हैं। इट्स नॉट येट ओवर। लेकिन इस पूरे वक्त में अगर तुम मेरी मदद करते हो तो यस, उसे मैं फेवर कहूंगी। और पैसे की फिक्र मत करना, वो तुम्हें सूद समेत मिल जाएंगे। गुड बाय। मैडम, आपने हमें हमेशा सहारा दिया है। आज जब आपका बुरा समय चल रहा है तो हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? दर्द बांटने से तकलीफ कम हो जाती है। हम खुशियों में आपके साथ थे तो बुरे समय में भी साथ रहेंगे। चाहे आप मुझे सैलरी ना दें, फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
सच में बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये हालत देखकर। अगर तुमने मिस इंडिया मुझे सौंप दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर मिस संयुक्ता, बिजनेस करना औरतों के बस की बात नहीं है। बिजनेस एक जंग है जिसमें हर पल जिंदगी दांव पर लगी रहती है और आधी से ज्यादा ताकत खुद को बचाने में बर्बाद हो जाती है। खैर तुम एक लड़की हो, तुम्हें यह सब कैसे पता होगा? क्योंकि मैं एक औरत हूं, इसलिए तुम्हें लगता है मैं ये बातें नहीं समझ सकती। एक औरत को घर मिलता है तो वो परिवार बनाती है, राशन मिलता है तो वो सबके लिए खाना बनाती है, अगर उसे खुशी मिलती है तो वो बदले में प्यार देती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद को परिवार को समर्पित कर देती है, जिंदगी में जो भी मिलता है वो उसका दुगना देती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे तुम कुछ कह रहे थे ना, बिजनेस करना औरतों के बस की बात नहीं है। एक बात याद रखना, जितनी तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उससे दुगनी तकलीफ के लिए तुम खुद को तैयार रखना। औरत जब बोले बस मीठा रस घोले, औरत जब बोले मीठा रस घोले। रात दिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस इंडिया को एक दिन इतने बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। मुझे अब भी लगता है उस डील के साथ हमने गलती नहीं की, कैलकुलेशन में कुछ तो छूट रहा है। नैना कहाँ है? मुझे नहीं पता संयुक्ता, मैंने उसे 2 दिनों से देखा नहीं है, ना ही वो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब दे रही है। तुम पहले से इतनी परेशान हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। समयुक्ता, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने नैना की कॉल लिस्ट चेक की, उसने आखिरी कॉल होटल मायमी में किया था। सबसे भरोसेमंद इंसान ही धोखा देता है, ये आज से नहीं महाभारत के वक्त से चला आ रहा है। मुझे नहीं जानना है ये तुमने क्यों किया, और ये भी नहीं कि इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ। सिंपल बात है संयुक्ता, हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है और हर कोई यहाँ सक्सेसफुल भी बनना चाहता है, पर लाइफ हर किसी को मौका नहीं देती। मुझे मौका मिला तो मैंने फायदा उठा लिया। नाम पद्मनैना, जन्म हैदराबाद, माँ हाउसवाइफ, बाप मैकेनिकल इंजीनियर। MBA पूरा कर चुकी हो, अपनी दोस्त की कंपनी में काम करती हो, BBC न्यूज चैनल में रिपोर्टर बनना चाहती हो, करेक्ट? नैना, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। इसका मतलब, अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। मैं तुम्हें एक गोल्डन चांस दूंगा, अगर मेरा कहा मानोगी तो उसकी इतनी कीमत दूंगा कि जिंदगी भर कमा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, BBC न्यूज चैनल में परमानेंट जॉब की गारंटी। क्या करना होगा? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अफसोस इस बात का है कि अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। Miss Samyukta, how did your old friend betray you? Miss Samyukta, was it your decision that landed you in trouble? Miss Samyukta, why haven't you doubted Naina before?
मिस संयुक्ता, हमें डिटेल में बताइए क्या हुआ था। एक आदमी कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत उसकी पहचान छीन ले, इसलिए वो जाल बिछाता है। So are you out of business? I'm born to do business. Business is not a monopoly. ये मेरा अधिकार है। मैंने आज तक यही सुना है कि बिजनेस एक जंग है, पर इसे कोई सीरियसली नहीं लेता। पर मैं एक वादा करती हूँ, ये बिजनेस एक जंग है। मिस्टर कैलाश शिव कुमार की साजिश के मेरे पास कुछ गवाह हैं। मैं आज ये अपील करती हूँ कि उन्हें उनके किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे ताकि आपको इंसाफ मिल सके। बट मिस इंडिया का क्या हाल है? रिपोर्ट सेज यू आर ब्रोक। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं यहाँ एक विनती करना चाहती हूँ। जो भी एक औरत की मेहनत की कद्र करता हो, जो भी बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत चाहता हो, जिससे भी चाय का स्वाद पसंद हो और जिससे भी मेरी सच्चाई पर यकीन हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें। हर वो इंसान जो हमारी मदद करेगा वो मिस इंडिया का शेयर होल्डर बनेगा और फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स का हकदार बनेगा। ऑल दैट आई कैन से इज आई नीड योर हेल्प। थैंक यू। इन द शॉकिंग रेवलेशंस, Mansa Samyukta submits recorded evidence against the conspiracy done by Kailash and Naina. जाते वक्त तुमने कहा था कि जब हम तुम्हारा जुनून समझेंगे तभी तुम घर वापस आओगी। हम तुम्हारा जुनून समझ चुके हैं। मैं चाहती थी कि तुम एक डॉक्टर बनो, पर मुझे दुख हुआ जब तुमने मेरी उम्मीद तोड़ी। लेकिन अपनी बच्ची के दिल और उसकी काबिलियत को नहीं समझा, उसका आज मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। मैं बहुत गलत थी मम्मा। मैंने घर सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा सकूं। इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ा था कि मैं आपसे नाराज हूं। I'm really sorry। आज तक मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दे पाया, कम से कम मुझे गलती सुधारने का मौका तो दो। मिस इंडिया, इंडिया I really miss India. Samyukta, देखो तो जरा, हमें ऑलरेडी फंड्स आना शुरू हो गए हैं। 60,000 और अब भी आ रहे हैं। Oh my God, ये तो कमाल हो गया। मैडम, आप जरा उधर देखिए। We are always with you. मिस संयुक्ता, एज बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना।
जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। थैंक यू। अरे भाई, एक चाय। औरत जब बोले मीठा सा रस घोले, औरत जब मात दे ओ माय गॉड क्या करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे $1,000 दिए। आज मैं वो सूद के साथ लौटा रही हूँ, $2,000। एंजॉय। थैंक यू मिस ट्रेनर, मिस इंडिया। चीयर्स। वाव। थैंक यू। अच्छा है आज आपको चाय और कॉफी के बीच फर्क तो समझ आई गया। KSK आउटलेट की हर कॉफी सिर्फ और सिर्फ पैसे से बनती है, लेकिन मिस इंडिया की हर चाय सिर्फ प्यार से बनती है। अगर इसी तरह का प्यार मेरी कॉफी में भी मिला गया होता तो आज ये हालत ना होती। अब भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई मिस्टर कैलाश। आप ही कहते हैं ना कि बिजनेस एक जंग है, तो जंग छेड़ दीजिए। With your love. ये हुई ना बात। औरत जब बोले मीठा रस घोले, औरत जब बोले मीठा रस घोले।